नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे दाता। सूर्य को धरती पर जीवन का कारक माना जाता है। सूर्य न हो तो धरती पर दिन न हो, रात न हो, सूर्य न हो तो पशु पक्षी और वनस्पतियाँ न हो, और अगर सूर्य न हो तो हमारा जीवन भी अंधकार में चला जाता है। लेकिन सभी को जीवन देने वाला सूर्य अगर खराब योग बनाता है तो सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। आज हम सूर्य के इन्हीं अनिष्ट योग की बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आज का दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। सूर्यदेव का कौन सा योग आपको कामयाब नहीं होने देता है? सूर्यदेव का सबसे घातक योग कौन सा है? आपकी गृहस्थी को सूर्य कैसे बर्बाद कर देते हैं? सूर्यदेव का कौन सा योग क्रिमिनल बना देता है? शो की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो गुरुदेव, आपसे पहला कॉलर हम ले, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा, भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन, और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसीलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुदेव, चूँकि बात हम सूर्यदेव के घातक योग की कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि सूर्यदेव के सबसे घातक योग वो कौन से हैं जिससे गृहस्थी पर असर पड़ता है? सूर्यदेव बेटा, आपने देखा होगा वैसे तो सूर्य ही हमारा जीवन है, लेकिन सूर्य देव का जब प्रकोप बढ़ता है तो वो जीवन देने वाला नहीं, जीवन लेने वाला भी बनता है। आप देखते हैं जहां पर अनंत ये सूखा पड़ जाता है, पानी की बूंद नहीं गिरती, वहां पर वाकई में त्राही त्राही हो जाती है। इसी तरह से सूर्य के साथ जब भी पापी ग्रह उसके दुश्मन ग्रह लगते हैं तो ये गृहस्थी के लिए बहुत ही घातक हो जाते हैं। कैसे? सूर्य देव के जो दुश्मन ग्रह है वो है शनि और शुक्र, ये खास तौर पे इनके दुश्मन है। और जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, शुक्र और शनि ये तीनों एक ही घर के अंदर बैठे हुए हों, इकट्ठे बैठे हुए हों, या इनमें से दो ग्रह इकट्ठे हों और तीसरे की उनके ऊपर दृष्टि हो, तो बेटा ये योग बहुत ही घातक हो जाता है गृहस्थी के लिए। अगर ये औरत की कुंडली में है तो उसके मर्द के लिए यानी कि उसके जीवन साथी के लिए ये बहुत ही घातक हो जाता है। कारण कुछ भी रहे उसके साथ रहना, वार व्यवहार में अच्छा होना और कई बार तो जीवन तक पे भी जीवन साथी के बहुत ही भारी होता है, और इसमें इतनी बड़ी खराबियां उत्पन्न होती हैं। अगर पति पत्नी साथ में भी रहते रहे तो तब भी एक घर के अंदर रहते हुए वो नजर तो इकट्ठे आएंगे लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे, और इसी के अंदर वो योग भी उत्पन्न होता है जिसके अंदर की मियां बीवी के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। ये बहुत ही गंदा योग है और इसमें सबसे बुरे हालात कब उत्पन्न होते हैं? अगर यही सूर्य, शुक्र और शनि का मेल हो और घर के अंदर का जो फर्श है वो हम लाल रंग का कर लें या घर के अंदर वुडन फ्लोरिंग लगवा लें तो ये और भी घातक हो जाता है, और ऐसे में ये मियां बीवी के सुखों को बिल्कुल नर्क जैसी जिंदगी दे देता है। और इसमें बहुत सारे हिस्से हमने देखे हुए, बहुत अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं कि जिसके अंदर मियां बीबी के आपस में मन नहीं मिलते और दोनों को पता होता है कि वो भी गलत है और वो भी गलत है ये चीज, और
तीसरा सबसे बुरा योग इसका तब बनता है बेटा जब इनके बीच में कोई भी एक और चौथा ग्रह आकर के मिल जाए बुध को छोड़ के, और वो ग्रह जब आपस में मिलता है तो ये जीवन साथी की जान पे भी भारी होता है, इसलिए ये योग को बहुत ही बुरा माना जाता है। मैं इसका उपाय आपको साथ ही साथ बताऊंगा ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, और वो ये है कि एक मिट्टी के लोटे के अंदर लाल रंग के पत्थर के टुकड़े, ये जो सिल्ली वगैरह जो राजस्थान से आती है लाल रंग का पत्थर होता है बेटा, इसके छोटे छोटे टुकड़े लेके उसको मटके के अंदर भर लीजिए और उसको दूध से भर दीजिए, और दूध से भर के उसको आप बाहर वीरान जमीन के अंदर कहीं गहरा खड्डा खोद के जाके दबा के आ जाए, ऊपर ढक्कन जरूर रखना है। अगर आप ये उपाय हर 3 साल में नहीं करते तो ये मियां बीबी के सुखों के लिए सबसे ज्यादा घातक है। और दूसरा एक और योग है और वो है सूर्य बुध और शुक्र का मेल। सूर्य बुध शुक्र आपस में मिले हुए हों यानी कि एक ही घर में हो, और केतु देव तीसरे घर में, आठवें घर में, सातवें घर में या 11वें घर के अंदर या दूसरे घर के अंदर हो तो बेटा ये बहुत ही खराब योग बनता है। इवन चौथे घर में भी अगर केतु देव विराजमान हो तो तब भी ये बड़ा खराब योग बनता है। और इसके अंदर होता क्या है बेटा, इसके अंदर जब शादी हो जाती है तो अगर ये औरत की कुंडली में है तो पुत्र के जन्म पर, और अगर ये आदमी की कुंडली में है तो पुत्री के जन्म के बाद में ये मियां बीवी के सुखों को खराब कर देता है। ऐसे में चाहे तो जुबान का खराब होना यानी कि कड़वा बोलना, और बेअदबी यानी कि एक दूसरे की इज्जत बिल्कुल ना करना, और कई बार चाल चलन का खराब होना, इन तीनों में से कोई भी हालात बन सकते हैं। और ये हालात इतने ज्यादा घातक तक बनते हैं बेटा कि उसके बाद में घर के अंदर गृहस्थी के तो सुख खराब होते ही होते हैं, साथ ही रुपए पैसे के सुख भी बिगड़ने लग जाते हैं, और लाख कोशिशें करने के बावजूद भी ये काबू में बिल्कुल नहीं आते। इसीलिए जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह इकट्ठे किसी एक घर में बैठे हो, उन्हें अपने जीवन काल में 3 बार इसका उपाय करना बेहद जरूरी होगा। और वो ये उपाय होगा कि एक तांबे की गागर लेकर के उसमें इतना मूंग साबुत डालें कि कम से कम 7-8 किलो आए, और ढक्कन को पीतल का टांका या कली का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्र बोल के उसको तेज पानी में बहा दें। ये एक बार पहले कर दें शादी से, दूसरी बार शादी के ऊपर ये उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा, और तीसरी बार जब अगर लड़की की कुंडली में है तो पुत्र के जन्म पे, और अगर लड़के की कुंडली में ये योग है तो पुत्री के जन्म के बाद 40 दिन के भीतर ये उपाय करना बेदहा जरूरी होगा। और इसमें मियां बीबी दोनों ही कानों के अंदर कभी भी कुछ और धातु ना पहने सिवाय एक सोने के, ये काम करना, और घर के अंदर जितने सूत ऊन और निवार के गोले लिपटे हुए पड़े हुए हों उन्हें खोल के बाहर फेंक दे। बेटा अगर ये उपाय कर लिया गया तो जिंदगी आसान, अगर ये उपाय नहीं हुआ तो जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी, क्योंकि ये गृहस्थी के लिए बहुत ही बुरे योगों में से एक ये काउंट होते हैं। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है, नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी, और परिवार का साथ भी रहेगा, परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा, उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा, धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है, परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है, आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव के घातक योग के बारे में, तो हमारे दर्शकों को ये भी जरा बताइए कि सूर्यदेव के कौन से वो घातक योग होंगे जो कि स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले। ये बहुत अच्छी बात हमने पूछी बेटा, सूर्यदेव हमारे पूरे शरीर के मालिक हैं। ये जब
कमजोर होते हैं, ये दो हिस्सों में बहुत बड़ी दिक्कत देते हैं बेटा। एक तो स्वास्थ्य के अंदर बार बार खराबियां आना, रोज कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ लगे रहना, आंखों के अंदर कमजोरियां आना, और ये तो हिस्सा ये इसका है ही, साथ ही एक और हिस्सा है और वो है इंसान का अंतर्मुखी होकर के किसी के साथ में भी पूरा ज्यादा घुल मिल ना पाना, और ऐसी अवस्था के अंदर ये योग बहुत ही घातक हो जाता है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही बात करते हैं बेटा। स्वास्थ्य की खराब होने के जो सिम्टम्स है उन लोगों के लिए जिनके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पानी आता है, हर वक्त थूक बना रहता है बेटा, इन लोगों का सूर्य बहुत खराब होता है। जिनकी आंखों में आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती है बेटा, ये सूर्य की खराबी को ही दर्शाता है। और इसके साथ ही अगर समय समय पे शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पे दर्द बनते हैं तो भी, और वो भी छोटी उम्र में ही, तो बेटा ये भी सूर्य की खराबी की ही निशानी है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, सूर्य देव स्वयं खराब नहीं होते, इनके साथ में जब पापी ग्रहों का संबंध होता है तब ये खराब होते हैं। अगर इस तरह के हालात बने और शरीर के अंदर लगातार खराबियां चल रही हो तो दो उपाय अमृत की तरह आपको लगेंगे। सबसे पहला उपाय कि अगर शरीर की इस तरह की खराबी हो तो 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धोकर के आप जल प्रवाह करें, और 500 ग्राम जौ को गौमूत्र के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वसन के नीचे दबा दें। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय बेटा, हर शनिवार को उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा या लोहा, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के बेटा दान देनी बहुत जरूरी होगी, और ये कम से कम 43 हफ्ते का उपाय करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। और तीसरा उपाय, हो सके तो सूर्य को हर रोज अर्घ जरूर दे, जल जरूर दे, और वो भी थोड़ी सी शक्कर डाल के या गेरू मिट्टी जो गमलों पे करने वाला रंग होता है वो थोड़ा सा डाल के तब ये अर्घ जरूर दे। इससे बेटा स्वास्थ्य तुम्हारा उत्तम होता चला जाएगा। और तीसरा जो मैंने कहा कि आत्मा खराब हो जाती है, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतर्मुखी होते हैं, खाम खाई किसी से प्यार करने लग जाते हैं, और उसके बाद में वो पिछले दिनों के अंदर तो बहुत सारे केसेस भी हुए थे कि जिसके अंदर सामने वाले की मर्जी के बिना प्यार हो रहा है और उसके बाद में उसको उन्होंने चाकुओं से मार दिया। ये सूर्य की ही खराबी है बेटा। सूर्य, शनि और राहु जब आपस में मिल जाते हैं, मंगल बद हो जाता है, तो इंसान किसी भी काम काज के ऊपर पूरी तरह से टिक नहीं पाता। जिस भी काम के ऊपर जाता है वहां पर या तो उसका स्वभाव खराब रहता है, या दूसरों को अंदर कमी निकालता रहता है, या इंसान चोरी छुपे काम करने का आदी होता है, जिससे कि वो ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है कम वक्त के अंदर, यानी कि आदमी का मन मैला हो जाता है और कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि अच्छा बनके कुछ कर सके। उसको एक ही बात सूझती है कि कहीं पर भी वो डाका डाल ले, या कहीं पर भी जबरदस्ती छीन ले, या जबरदस्ती अपने प्यार को पाने की कोशिश करना। ये सारे दुर्गुण सूर्य के खराब होने पे ही होते हैं। और अगर इस तरह के हालात हो और इस तरह की मनोवस्था हो जाए, या आपके अड़ोस पड़ोस में आपकी जानकारी में किसी की मनोवस्था ऐसी हो, तो बेटा इसका इलाज जरूर करें। कारण ये है कि ये सूर्य जब भी कुछ बहुत बुरा घटित करेंगे तो भरी दोपहर में घटित करते हैं, यानी कि जब सूर्य सर पे हो। ये लोग रात्रि के वक्त में बुरे नहीं होते, लेकिन दिन के वक्त में जब सूर्य आसमान में होता तब ये बहुत बुरे होते हैं, और इनका गुस्सा इनसे सारे सूझबूझ को खोके इनसे बुरे काम करवा ही देता है। तो इनके लिए उपाय, इन लोगों को काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इनके घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी इनके घर पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और साथ ही इनको कभी भी हाथ की कारीगरी का काम नहीं करना चाहिए, यानी कि लोहा या औजार वगैरह से जो काम करते हैं इनको हमेशा ऑफिशियल वर्क ही करने चाहिए। समझिए, हाथ की कारीगरी के काम इनके और खराब करते चले जाते हैं। और तीसरा बेटा इसका मेजर उपाय, हर 3 महीने बाद वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करें, चांदी की चेन गले में धारण करें, एक माणिक्या इनके रिंग फिंगर के अंदर होना बहुत जरूरी है, और साथ ही हर रोज सूर्य को जल देना इनके लिए बहुत जरूरी है। बेटा अगर ये उपाय होंगे तो ऐसा इंसान अपने तन से और मन से दोनों से स्वस्थ रहेगा। अगर बेटा ये उपाय ना हो पाए तो जीवन में अपना बुरा तो होता ही है, साथ में अपनों का बुरा।
गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आप शुरू कर लेते हैं। हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम राजकुमार चौधरी है, मैं नौशहरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 23/3/83 है। टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे है। गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे 2-3 बिजनेस हैं, वो बिजनेस फ्यूचर में मुझे क्या फायदा देंगे या नहीं देंगे? बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग मैं देख रहा हूँ, ये अगर यहाँ तक तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी नहीं करके गया तो इसके आगे तो इसने सुखी देने हैं, इसलिए आगे 11 साल तक तुम्हें डरने की और जरूरत नहीं है, नंबर एक। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बेटा शनि देव जो छठे स्थान पर बैठे हुए हैं, जब भी तुम्हारा चप्पल या जूता चोरी या गुम होगा, उसके बाद आप समझ लो कि खराब समय आ गया, जो गृहस्थी के लिए, स्वभाव के लिए और कमाई के लिए, तीनों के लिए बुरा हाल करेगा। और प्लस जब भी तुम चप्पल जूता जो चमड़े का हो वो खरीद के लाओगे या किसी प्रकार का लोहा खरीद के लाओगे या अपने बच्चों के लिए कोई चमड़ा हो, साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाना। और तीसरा, जब तक तुम अपने आप को शराब और मांस की आदत में डुबो नहीं देते, तब तक तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य देव 11वें स्थान के ऊपर बैठे हुए इंसान को हर तरह से बहुत ही अच्छी जिंदगी देते हैं और रुपए पैसे से कभी भी मोहताज नहीं रहने देते। उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देख करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है। और शनिवार दोपहर को बेटा उस लोटे के साथ 3-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ना। एक तो ये उपाय। दूसरा, 6 दिन लगातार 6-6 साबुत बादाम लेके खड़े पानी के अंदर ही, बहते पानी में नहीं, खड़े पानी के अंदर तुमने वो छोड़ के आने बेटा। ये हो गया। अब एक फाइनल, काला सफेद एक कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के बेटा साल में 1 बार ये दान जरूर दिया करो, ठीक है? और 7 पीली रत्ती, सोने का चकोर टुकड़ा, इनको पीले कपड़े में लपेट के सिलाई करके अपनी जेब में रखो। मात्र इतने से किए हुए उपाय तुम्हें अपने जीवन के अंदर हर तरह का सुख देंगे और कोई बुरा वक्त नहीं आने देंगे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे यूं ही जारी हम रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से वैभव कुमार। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2016। जन्म समय है 12:19 दोपहर के और स्थान है नई दिल्ली। सवाल क्या है आपका? मेरा बेटा आगे भविष्य में कैसा करेगा और इसकी शिक्षा और करियर कैसा रहेगा? बेटा, इसकी कुंडली काफी अच्छी मात्रा में तो है, लेकिन इसकी जन्म कुंडली के ऊपर लगन के अंदर ही मंगल और शनि का मेल बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। यह स्वभाव को भी खराब करता है, गुस्से की मात्रा को बढ़ाता है और जिंदगी के अंदर 2 से 3 बार मृत्यु तुम्हें कष्ट देता है, यानी कि शारीरिक तकलीफ का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ये अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के किसी भी तरह के कामों में या फिर किसी भी तरह की सेल परचेज के कामों में इसकी किस्मत काफी अच्छी है। लेकिन उपाय पहले ये, सबसे पहले बेटा 27 मंगलवार लोहे के कटोरे के अंदर शहद भर के 10 डलिय सुरमे की डाल करके इसका मुंह दिखा करके हर शनिवार को बेटा मंदिर के अंदर देते रहो, ये 27 शनिवार करना है। और दूसरा, ये तांबे की गागर में मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद इसे जल प्रवाह कर दो और पीतल के बड़े से बर्तन के अंदर गंगा जल डाल के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के पीतल का ढक्कन लगा के अपने घर पे रखो। मात्र इतने से उपाय कर दो बेटा, और काले और नीले रंग से सख्त परहेज इसका बना के रखना है। अगर बेटा ये किया तो हर तरह से उत्तम, नहीं तो किसी भी तरह की बड़ी तकलीफ आ सकती है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। दाता खुशियां दे, सुख दे। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दे। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृह जीवन में भी कोई न कोई कलह हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनुराशि। धनुराशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव के घातक योग की, कैसे बुरा असर डालते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और जॉब में या कारोबार में वो कामयाब नहीं हो पाते, बार बार रुक जाते हैं, ये कैसे होता है? बेटा सूर्यदेव, सूर्यदेव तुला राशि के अंदर नीच के होते हैं और सूर्यदेव जब जन्म कुंडली के सातवें घर में अकेले बैठते हैं तो कहते हैं माँ और बच्चा दोनों ही दुखी, यानी कि उसकी माँ भी दुखी वो भी दुखी। और ये योग एक ऐसा योग है जो किसी भी काम के ऊपर कहीं कामयाब नहीं होने देता, चाहे बच्चे की पढ़ाई लिखाई काबिलियत किसी भी स्तर तक नहीं हो। एक ये योग इसका बड़ा खराब है। दूसरा योग, सूर्य देव जब जन्म कुंडली के दसवें घर के अंदर बैठते हो और अपने मित्र की या अपनी राशि में ना हो तो ये पहले तो लिखाई पढ़ाई के अंदर बच्चे को कहीं पर भी कामयाब नहीं होने देते और फिर बाद में काम काज के लिए भी उसके सिफारिशें लगानी पड़ती है, यानी कि टिक्के बच्चा कहीं काम नहीं कर पाता। और ये दोनों ही योग बहुत ज्यादा घातक है इंसान की कामयाबी के लिए। और तीसरा योग, सूर्य देव अगर अष्टम भाव में हो और इंसान का अगर बड़ा भाई ना हो तो ये इंसान के गुस्से की मात्रा को बढ़ा करके बार बार फेलियर दिखाते हैं उसे, समझे? तो बेटा ये तीन योग खास तौर पे घातक है और इनके लिए अगर सूर्य देव सातवें स्थान पर हो तो इंसान जब कामकाज की उम्र में पहुंचे और कामकाज उसके ना बन पा रहे हो, ना नौकरी बन पा रही हो, ना बिजनेस चल रहा हो, तो उस इंसान को 27 दिन लगातार एक तांबे का चकोर टुकड़ा लेके उसके ऊपर केसर लगा के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबा देना चाहिए। इसके बाद उसकी कामयाबी पूरी तरह निकलेगी। और अगर सूर्य देव अष्टम भाव के अंदर हो तो बेटा ऐसे में और अपना बड़ा भाई भी ना हो तो ऐसे इंसान को काले रंग की गाय की सेवा अमृत की तरह लगेगी, यानी कि हफ्ते के अंदर 2-3-4 बार या पूरा हफ्ता अगर कर सको तो बहुत ही बढ़िया, या घर पे ही काली रंग की गाय पाल सको तो अति उत्तम। फिर तो कामयाबी की निशानी बन जाएगी ना ये, कि काले रंग की गाय की सेवा अगर ऐसा इंसान करता रहेगा तो उसके कामकाज में उसको बहुत बरकत मिलेगी। और तीसरा, सूर्य देव जब जन्म कुंडली के दसवें घर में होते हैं ये इंसान को पढ़ाई लिखाई और काम दोनों पे नहीं टिकने देते। इसके लिए हर साल 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना बेइंतहा जरूरी है, जब तक ये नहीं खिलाएंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना जहर की तरह होगा जो अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान को, अपने काम को, सबको खराब कर देगा, इसलिए भूल के भी काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना। और 43 दिन लगातार तांबे का एक पैसा लेकर के जल प्रवाह करना है। मात्र इतने से उपाय किए हुए आपके कामकाज के सारे रास्तों को खोलेंगे और आपके लिए अच्छी जिंदगी प्रदान करें। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव के घातक योग के बारे में। आपने बताया कि कैसे वो जिंदगी पर बुरा असर डाल देते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अगर रिश्तों की हम बात करें, क्योंकि जिंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है, कौन कौन से वो रिश्ते हैं जिन पर सूर्य का बुरा प्रभाव पड़ेगा और रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे? बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत ही काम का सवाल किया है और ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी थी। और वो क्या है, सूर्य देव अगर तीसरे घर में बैठे हुए हों और किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इंसान अपने ही भाई बहनों के साथ में बिगाड़ने वाला हो जाता है और उनके साथ में रिश्ते उसके बिल्कुल मधुर नहीं रहते। और अगर जन्म कुंडली के सातवें घर के अंदर सूर्य बैठा हो, भले सूर्य बुध भी बैठे हुए हो, बेटा सूर्य बैठा हो तो भाई के और पिता के सुख खराब हो जाते हैं, यानी कि इंसान को उनकी बात नहीं समझ आती और उनको इसकी बात नहीं समझ आती। और अगर सूर्य बुध सातवें घर के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसा दामाद जो कोई भी लेगा बेटा उसके लिए मामला खराब हो जाएगा। कहने का मतलब, सूर्य बुध सातवें घर में बैठे हो लड़के के तो जैसे ही शादी होती है ससुराल का बहुत बुरा हाल होता है, उनके साथ बनने में भी दिक्कत आ जाती है और चाहे उनके बन भी जाए लेकिन उनके अपने निजी फाइनेंशियली हालात बहुत खराब हो जाते हैं। ये चीज फिर सूर्य देव का दसवें घर के साथ में संबंध हो जाए तो ये भी योग जो है
बेटा पिता के साथ विचार नहीं मिलने देता और पिता के सुखों के लिए खराबी के योग देता है और चाचा के साथ में भी बिगाड़ देता है और बारहवें घर के अंदर इसका संबंध हो जाए तो ये पति पत्नी के निजी सुखों को खराब करता है और प्लस इंसान को बहका भी सकता है। तो यानी सूर्य देव का रिश्तों के साथ में संबंध साफ तौर पर है बेटा। इसीलिए इनमें से कोई भी हालात हो बेटा, इसका एक सिंपल सा इलाज बताने लगा हूं, क्योंकि सबकी अगर मैं अलग अलग बता दूं तो हो सकता है आपको देखना ना आए, तो इसलिए मैं सिंपल उपाय बताने जा रहा हूं। उसका इलाज क्या है बेटा? इसका सिंपल तौर पर इलाज, हर शनिवार को सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके दान देना सबसे पहला। दूसरा, गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार को करना बे इंतहा जरूरी होगा। और जो चींटियां आप देखते हैं ना कि हमारे यहां बहुत पहले से ही बुजुर्ग भी और आम लोग भी चींटियां जमाते आए हैं, यानी कि उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहे, तो इसीलिए हर रोज चीनी, चीनी में थोड़ा सा बूरा डाल करके, यानी कि बूरा चीनी डाल के और आटा डाल के बेटा वो चींटियों को रोज थोड़ा थोड़ा जरूर डाला करें। और खास तौर पे जहां चींटियों का घर होता है, जो वो घुन बना होता है बेटा, वहां पर ये आटा डालना बहुत जरूरी है। अगर इस उपाय को करते रहते हैं और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करते रहते हैं तो बेटा सूर्य देव अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। और इससे पूरी तरह से निजात पानी हो तो 43 दिन तांबे का पैसा लेकर के जल प्रवाह कर दो। अगर ये उपाय होता है बेटा तो परमात्मा की दया से रिश्ते सदा और बहुत ही अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाऊं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी तक फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला आगे भी हम आपसे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से, जो कि अपने पति के बारे में सवाल करना चाहती है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने पति के जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। गुरु जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका उनका नाम है मनोज, उनका जन्म हुआ है मथुरा, टाइमिंग है उनकी 8:35 और उनका सन है 5979। जिस फील्ड में वो जॉब करते हैं वहाँ पे उनको कुछ करियर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मैं इस रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहती हूँ कि उनके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, कृपया आप मुझे करके कुछ उपाय बताएं। बेटा इनकी जन्म कुंडली ऐसी है जिसके अंदर 6-6 ग्रह इसके लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आम कुंडली दिखाओगे कोई कहेगा कि नहीं ये बहुत बुरे हैं, 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत खर्चा कराएंगे। और कोई कहेगा नहीं इसका लाभ स्थान के साथ में संबंध है इसीलिए ये बहुत लाभ दिलाएंगे। तो यानी कि अगर कुंडली बाहर तुम दिखाओगी भी तो इस कंफ्यूजन को दूर ही नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात बेटा, इनकी कुंडली वाकई में बहुत अच्छी बनाई जा सकती है अगर ये वाकई में जो जन्म कुंडली के अंदर इनके काम निकल रहे उन सेक्टरों में हो। वो सेक्टर कौन से है? होटल लाइन, किसी भी तरह की सुंदरता से संबंधित काम, सैलून वगैरह भी हो सकते हैं, साड़ियों का, ड्रेस मटेरियल का काम हर तरह से उत्तम। फिर इसके अलावा किसी भी तरह के जूस के काम, किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल के काम, समझे किसी भी तरह की मिठाई के काम, बेटा ये सारे सेक्टर इसके लिए बहुत बढ़िया है। परंतु इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण है ये वाकई में बड़ी तकलीफों का कारक बन सकता है, जिसके कारण कामकाज के अंदर स्थिरता के योग, बच्चों के सुख से संबंधित, पिता के सुख से संबंधित और घर के अंदर की सुख शांति से संबंधित ये खराबियां दे सकता है। इसके लिए उपाय, इसके लिए 43 दिन लगातार काला सफेद एक प्रिंटेड कपड़ा लेना है, सूती हो बेटा, उसमें 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील हर रंगे डालनी है और उसको गांठ मार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। एक ये उपाय बेटा। दूसरा, हर बुधवार को थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के वो दान दे दिया करो और हर 3 महीने के बाद एक जो ढोलकी होती है जो बजाने वाली घर पे कीर्तन वगैरह में आप देखते हैं, ये ढोलकी लेकर के बेटा ये हर 3 महीने बाद किसी मंदिर में दान दे दिया करो। मात्र इतने से उपाय करके देखो और जो मैंने सेक्टर कहे हैं इनके अंदर इनको भेज के देखो बेटा, जिंदगी के अंदर ये कभी पीछा मुड़ के नहीं देखेंगे और सदा कामयाबी बनी रहेगी, खुश रहेंगे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र आप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिखे नंबर्स पर आप फोन कीजिए।
गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल ना रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है, इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है, परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन हमेशा की तरह ही हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र आप दे दीजिए। बेटा, बात अगर हम सूर्य की कर रहे हैं, रिश्तों की कर रहे हैं, आत्मा की कर रहे हैं, तो गुरु मंत्र भी आज इसी से संबंधित होना चाहिए। बेटा, सूर्य जन्म कुंडली के अंदर कैसा भी बैठा हुआ हो, अगर इंसान अपने हाथ से बड़ का पेड़ लगा करके उसकी परवरिश करता है और उसको अपनी सेवा से बड़ा करता है, यानी कि उसकी खाद का पानी का ध्यान रखना, उसको कभी भी कोई कीड़ा वगैरह ना लगने देना। वैसे तो जनरली बड़ के पेड़ को लग ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आज के मौसम में कुछ भी हो जाता है बेटा, इसीलिए उसकी सेवा करके उसको बड़ा करना, उसके सूर्य को प्रबल पे प्रबल करता चला जाएगा और उसको आत्मा से, तन से, मन से, हर तरफ से शुद्ध करके उसके भी जीवन के अंदर बढ़ोतरी देगा। तो इसीलिए बड़ का पेड़ लगा करके बड़ा करना बेटा हर किसी के सूर्य को बहुत उच्च करेगा। दूसरी बात, सूर्य हमारे जीवन में बेटा पिता होते हैं और कई बार हालातवश पिता के साथ में हालात अच्छे नहीं रहते, कई बार कुदरत ही कोई हादसा दे देती है, इस वजह से पिता के सुख नहीं होते। लेकिन बेटा जब अगर पिता हो तो पिता की सेवा करना, कभी कभार पिता के पांव धो देना बेटा, ये बहुत ही शुभ फल कारक होता है। पिता के कहे का बुरा ना मान के उल्टा उनको जी पिताजी बोलना बेटा, सूर्य को वैसे ही प्रबल करता चला जाता है। और जो भी इंसान अपने छोटेपन में अपने पिता के साथ सोता रहा हो, बड़े होकर के भी अगर आप कोशिश करें कि बिल्कुल साथ साथ चारपाई लगा के सोए और कभी कभार अपने पिता का बिस्तर इस्तेमाल करें, तो बेटा ये सूर्य को और प्रबल करता चला जाता है और इससे भी इंसान का तन, मन, आत्मा सब बहुत अच्छी बनती चली जाती है और ये सारे दुखों को ये खत्म करने का काम करता है। और तीसरा है बेटा कि सूर्य प्रभु को हर रोज सुबह आप किसी भी तरह का पूजा पाठ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जिस मर्जी अपने इष्ट को पूजन करो, लेकिन सुबह के वक्त में पानी के लोटे में थोड़ा सा गुड़ या गेरू मिट्टी या गुलाब की पत्तियां डालकर आप अगर हर रोज सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो उससे भी आपकी ऑरा इतनी क्लियर होती चली जाएगी, उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी यानी कि ब्लू और ब्लैक एनर्जी अपने आप इसमें से बह करके और लाल वाली और सफेद वाली एनर्जी को इतना दुरुस्त कर देगी कि आपका मन हमेशा स्थिर रहेगा और आपके काबू में रहेगा और काम की हिम्मत आप में सदा ही बनी रहेगी। आप देखेंगे जो लोग सूर्य को जल देते हैं वो पूरा दिन आप एक ही जगह पर कंसंट्रेशन लगा करके अपने और पूरा दिन काम करते चले जाते हैं और इरिटेटिंग होते हैं। और बेटा इसको बेकार का काम बिल्कुल मत समझना, इसको थोड़े देर करके देखो, आपको अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव महसूस होंगे, समझे, प्राप्त होनी ही होनी है। और एक आखिर कि बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना सूर्य और मंगल का एक ऐसा मेल है जो किसी भी तरह की बाधा हो, किसी भी तरह के शारीरिक कष्ट हो, किसी भी तरह की नौकरियों की दिक्कत हो और किसी भी तरह से अपना प्रभाव जब दूसरों पे ना जमा पाते हो, बेटा इन सब दोषों को समाप्त करने के लिए हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाते हो। दाता सब।